हे दोस्तों नमस्कार। हमारे अपने YouTube चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों सबसे पहले मैं आप सभी से क्षमा मांगता हूँ। कल मैंने एक वीडियो अपलोड किया था, उसमें मेरे से गलती हो गई थी। उसी गलती को सुधारने के लिए मैंने वीडियो बनाया है। और तो आइए बात करते हैं दोस्तों। RPSC ने चार एग्ज़ाम हैं उनकी जो परीक्षाएं होनी होनी थी वो स्थगित कर दी हैं। यानी कि दोस्तों अब ये परीक्षाओं की तिथि जो थी पहले उस डेट पर नहीं होगी, यानी कि इनकी डेट फिर से डिसाइड की जाएगी और शायद इसके जो फॉर्म वो शायद फिर से भरे जाएं। तो ये जो एग्ज़ाम है दोस्तों, चार एग्ज़ाम है ऐसे। एक स्कूल व्याख्याता भर्ती परीक्षा, एक फिजियोथेरेपिस्ट भर्ती परीक्षा 2018, एक प्राध्यापक भर्ती परीक्षा और एक दोस्तों असिस्टेंट फॉरेस्ट कंजर्वेशन और फॉरेस्ट रेंजर की जो परीक्षा थी, जिनकी दोस्तों जो डेट थी ये थी। देखिए कि जो स्कूल व्याख्याता भर्ती परीक्षा की 15/7 से 25/7 की 2019 के बीच में, और फिजियोथेरेपिस्ट भर्ती परीक्षा 30/7/2019 को डेट थी, और प्राध्यापक भर्ती परीक्षा 6 अगस्त से 9 अगस्त के बीच में थी, और ACF एंड फॉरेस्ट रेंजर वाली जो वैकेंसी थी 28 अगस्त से 5 सितंबर के बीच में थी। ये दोस्तों आप पढ़ सकते हैं क्यों स्थगित की गई है। राज्य सरकार के पत्र दिनांक 23/6/2019 द्वारा EWS यानी कि इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, जो सामान्य वर्ग का जो आरक्षण है, MVC जो कि राजस्थान में गुर्जरों का आरक्षण है, को प्रक्रियाधीन भर्तियों जिनमें अभी तक किसी भी स्तर की परीक्षा आयोजित नहीं हुई है में लागू किए जाने के फलस्वरूप दोस्तों इन ये जो चार भर्ती परीक्षाएं, स्कूल व्याख्याता भर्ती परीक्षा, फिजियोथेरेपिस्ट भर्ती परीक्षा, प्राध्यापक भर्ती परीक्षा और ACF एंड फॉरेस्ट रेंजर, इन भर्ती परीक्षाओं में EWS और MBC जो आरक्षण है लागू किया जाएगा। फलस्वरूप लागू किए जाने के फलस्वरूप आयोग द्वारा माह जुलाई से सितंबर तक आयोजित की जाने वाली निम्नलिखित परीक्षाएँ स्थगित की जाती हैं। तो दोस्तों ये जो चार परीक्षाएँ हैं ये अपने टाइम पर नहीं होंगी, इनकी डेट फिर से डिसाइड की जाएगी। और भी जो न्यू अपडेट आएगा आयोग की वेबसाइट पर, हम उससे आपको अवगत कराएंगे। तो ठीक है दोस्तों।